हाउसवाइफ, जस्ट अ हाउसवाइफ। तुम कौन हो? हाउसवाइफ। ये कौन है? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ क्या? वो भी जस्ट अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का मतलब क्या होता है? हाउस मतलब घर, वाइफ मतलब पत्नी, घर की पत्नी। हाँ, एक औरत घर की पत्नी है। ये तो गलत शब्द है एक औरत को संबोधित करने का, हाउसवाइफ। एक्चुअली में कोई भी महिला, कोई भी लड़की हाउसवाइफ नहीं होती है। एक लड़की, एक महिला पूरे घर को संभालती है, शादी करके आती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, बच्चे, पति को ऑफिस, सास ससुर और जो भी फैमिली मेंबर है, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती है। और ऐसे महिला को अगर आप एक नाम से कह रहे हैं हाउसवाइफ, तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। एक महिला हाउसवाइफ नहीं होती, वो प्रेसिडेंट होती है अपने हाउस की। तो कहिए प्रेसिडेंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर की राष्ट्रपति कहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति एक पूरा देश संभालता है, उसी तरीके से एक महिला अपना पूरा जीवन देके आपका घर संभालती है। और उस महिला को अगर जस्ट हाउसवाइफ के नाम से संबोधित किया जाए, तो ये तो बहुत अनफेयर है आपके साथ भी और उस महिला के साथ भी। तो आज ही से जो भी महिलाओं को ये कहता कि जस्ट अ हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ कहना बंद कीजिए। क्योंकि जो वो जिसे आप हाउस वाइफ का नाम दे रहे हैं, जो वो कर सकती है ना, वो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा जिनके अंदर इतने टैलेंट है, जिनको इतना गुण है, जो आपके पूरे घर को, रिश्तेदारों को, खानदान को संभालती हैं, उनके लिए ये शब्द कहना सही नहीं है। तो एक महिला को अगर कहना है, तो कहिए प्रेसिडेंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर की राष्ट्रपति। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उन्हें दीजिए थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, क्योंकि एक महिला से ही आपके गृहस्थी संभलती है। और महिलाएं अपने जीवन को भूल जाती हैं जीना, और अपना पूरा जीवन झोंक देती हैं सिर्फ आप के घर को संभालने में। यहाँ तक कि वो भूल जाती हैं उनके कुछ सपने होते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। आप पे निर्भर बनने तक का सपना भूल जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी से उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाता। तो ऐसी महिलाओं के लिए, और जो पुरुष ये आज वीडियो देख रहे हैं, खास करके पुरुषों के लिए, तो अपने घर के प्रेसिडेंट को दीजिए एक तोहफा, हमारी सुकन्या केयर संस्था का। जी हाँ, तोहफा उनके स्वास्थ्य का, तोहफा उनके आत्मनिर्भर बनने का। जी हाँ, सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन आप अपने वाइफ को गिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, हर्बल है। ये आपकी वाइफ को, आपकी बहन, आपकी बेटियों को देता है पूरी तरीके से सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षा, पीरियड प्रॉब्लम से सुरक्षा, लिकोरिया से समस्या जो भी है उससे आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये जितने भी प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन है ये। यूरिन इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट में छाले, दाने, रैशेज, हर तरह की समस्याओं का जो भी है वो समाधान है हमारा सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन। तो आप अपने घर की महिलाओं को स्वास्थ्य दीजिए, और स्वास्थ्य के साथ दीजिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका, क्योंकि ये जो हमारी संस्था, ये सिर्फ महिलाओं को स्वास्थ्य ही नहीं, उन्हें मौका दे रही आत्मनिर्भर बनने का, कुछ करने का, चार पैसे अर्न करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो आप अपने घर की प्रेसिडेंट ऑफ माय हाउस, जो आपके घर की प्रेसिडेंट है, उनको दीजिए तोहफा स्वास्थ्य का और आत्मनिर्भर बनने का, जो कि हमारी सुकन्या केयर संस्था आपके इस सफर में पूरी तरीके से सहयोग करेगी आपके घर की महिला को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है? आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, जिस पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, और अपने घर की बहन, बेटी, महिला, पत्नी, माँ, सबको दे सकते हैं स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर होने का सपना। राधे राधे।